हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी है, बनाने में बहुत ही आसान है, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। साबूदाना और मैंगो की खीर है ये, इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आइए देखते हैं साबूदाना मैंगो की खीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध रखा है बॉयल होने के लिए। जब भी खीर बनाए तो हमेशा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही गाढ़ी मलाईदार खीर तैयार होती है। और इसमें मैं साबूदाना का इस्तेमाल करूंगी खीर बनाने के लिए, तो मैंने 1/4 कप साबूदाना लिया है और इसे मैंने 1 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। 1 घंटा हो गया है इसे भिगोए हुए, अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और जब दूध में एक बॉयल आ जाएगा तो उसमें हम साबूदाना डाल देंगे और इसे हम धीमी आँच पर 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक लगातार चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाएंगे। लगातार चलाते हुए हम इसे 10 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए, हमारी खीर को कुक होते हुए साबूदाना के साथ 10 मिनट हो गए हैं, थोड़ा गाढ़ा हो गया है ये, अच्छी तरह से थोड़ा सा दूध रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करिए। और 1/2 टीस्पून मैंने क्रश किया हुआ इलायची डाला है, छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे कहते हैं, और 1 पिंच मैंने येलो फूड कलर डाला है। इलायची का आप पाउडर भी ले सकते हैं, मैंने क्रश की हुई इलायची डाली है। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे और कुक करेंगे, जिससे हमारी खीर अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। ये देखिए, खीर अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है, इसे कुक करते हुए 8 से 10 मिनट और हो गए हैं, गाढ़ी मलाईदार खीर तैयार हो गई है। खीर के फॉर्म में ये आ गई, जैसे जैसे ये ठंडी होगी थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें 1 कप मैंने मैंगो पल्प लिया है वो ऐड कर देंगे। ध्यान रहे, मैंगो मीठा होना चाहिए, आम खट्टे नहीं होने चाहिए, अगर आम खट्टा होगा तो हमारी खीर फट सकती है। अब हम इसे 1 मिनट तक गैस पर रख कर इसको मिक्स करेंगे और जब ये अच्छी तरह से आम इसमें मिक्स हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। उसके बाद हम एक बोल में ट्रांसफ़र करके इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल चिल्ड कर लेंगे। जब ये एकदम ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, हमारी गाढ़ी मलाईदार खीर तैयार है, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने इसे खीर को एक बोल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है। खीर को हमेशा ठंडी सर्व करिए। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, उसके लिए मैंने मैंगो के पीसेस लिए हैं और बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है। पिस्ते से इसे गार्निश कर देंगे और मैंगो के पीसेस को इसमें डाल देंगे। गार्निशिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये हमारी टेस्टी डिलीशियस सागो मैंगो खीर तैयार है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।